ओए हिलो ब्रदर। ओह सॉरी, शुरू करके पहले बोलना चाहिए थे यार शुरू में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले अपाची RTR 160 VS4 वर्सेस अपाची RTR 160 VS6, इन दोनों बाइक में TVS ने क्या कुछ चेंज किया है दोनों मॉडल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो हम आ चुके हैं TVS के शोरूम अंडार मोड़ NH2 पे और नियर बाई MRF डीलर के पास। इनका एड्रेस और शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप बाइक रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? तो ये है TVS अपाची RTR 162V। तो आप सबसे पहले इसके एक बार लुक को देख लीजिए, वर्क अराउंड देख लीजिए और उसके बाद हम इसके कंप्लीट रिव्यू करेंगे TVS अपाची RTR 160 VS4 वर्सेस VS6 में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अभी VS6 मॉडल में है, 2020 की ये बाइक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं दोनों बाइक में क्या डिफरेंट है VS4 वर्सेस VS6 में। तो सबसे पहला चेंज आप VS6 में देख पाएंगे कि इसका जो ग्राफिक्स है वो चेंज है और इस पे जो TVS की तरफ से हॉर्स जो लोगो है वो चेंज है, जबकि ये VS4 में नहीं मिलता है, ये आपको VS6 वाले बाइक में मिलता है। VS4 में आप देखेंगे कि VS4 में ये सिंपल सा है, इसका ग्राफिक्स भी दूसरा है और इसमें हॉर्स भी नहीं लगा हुआ है। तो ये हुआ एक पहला चेंज जो VS6 में न्यू एड किया गया है। और बात की जाए इसके इंजन की, तो इंजन आपका इसमें पहले की तरह सेम मिलेगा, बस इसमें कार्बोरेटर की जगह आपको अब FI इंजन मिलेगा और पहले से ज़्यादा रिफाइन इंजन आपको मिलेगा TVS अपाची VS6 मॉडल में। VS4 में आपको सेल्फ के पास में व्हाइट कलर का वायर देखने को मिलेगा और अगर इसके स्पार्क प्लग की तरफ देखें तो ये VS4 में इस टाइप का है। और VS4 में आपको किक मिल रहा है और किक के पास में कोई कवर नहीं है। अब VS6 में आपको दिखाता हूँ कि क्या चेंज किया गया है TVS की तरफ से। तो आप देख सकते हैं VS6 में स्पार्क प्लग का लुक और कलर दोनों चेंज किया गया है। और नेक्स्ट चेंज की बात की जाए VS6 में, तो सेल्फ के पास आपको रेड कलर का वायर मिलेगा जबकि VS4 में वाइट कलर का वायर था। और अगर इसके इंजन के पास देखें तो इसके इंजन में आपको किक नहीं मिलेगा और इंजन के पास में यहाँ पे कवर लगा हुआ है, जबकि VS4 में ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं VS4 में इंजन के पास जो मडगार्ड लगा है उसके बारे में। तो यहाँ पे VS4 का आप देख सकते हैं, और ये मैंने जो रेस लिखा है ये मैंने अलग से लगवाया है, पर ये VS4 और हाइपर एज ये पहले से लिखा हुआ आता था। और इसका मडगार्ड आप देख सकते हैं इस टाइप का है। और अब चलिए आपको दिखाता हूँ VS6 में, ये देखिए इस टाइप का दिया गया है, थोड़ा लुक इसका चेंज किया गया है। यहाँ पे भी मडगार्ड में थोड़ा स्पेस इको बड़ा किया गया है और यहाँ पे आपको RT FI लिखा हुआ आएगा, रिफाइन ट्यून FI लिखा हुआ है यहाँ पे VS6 में आपको देखने को मिलेगा। और VS4 में हाइपर एज लिखा हुआ आता था, अब यहाँ पे आपको VS6 में TVS रेसिंग लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट चेंज की कि VS6 में और क्या कुछ चेंज किया गया है VS4 के अलावा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने मार्क लगाया है, ये राइडर के फुट रेस्ट के पास में आपको इस टाइप का डिज़ाइन मिलेगा, कवर लगा हुआ मिलेगा, जबकि VS4 में आपको अलग मिलता था। VS4 में आपको इस टाइप का लगा हुआ मिलता था, तो VS6 में भी इस यहाँ के पोजीशन को और इसके डिज़ाइन को चेंज किया गया है। और बात की जाए साइलेंसर के कवर का, तो RTR मैंने बाहर से लगवाया था, बाकी VS4 VS6 में साइलेंसर का जो कवर है उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, पहले की तरह सेम है। और यहाँ पे आप जो साइलेंसर का देखेंगे VS6 में, यहाँ पे इसका लुक चेंज किया गया, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मोटा बनाया गया, जबकि VS4 में ये पतला बनाया गया, सिंपल बनाया गया है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट चेंज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट चेंज हमारा जो यहाँ इंजन के पास में है, अंदर से एक यहाँ पे गार्ड लगा हुआ है, आप एक तरफ से इसको मडगार्ड भी बोल सकते हैं इंजन का, जो डस्ट और पानी से इंजन को बचाता है। ये VS6 में आपको ये नया देखने को मिलेगा और VS4 में ऐसा कुछ नहीं था, इंजन के पास में ऐसा कुछ नहीं लगाया गया था। तो VS6 में ये भी एक चेंज है VS4 के अलावा। और VS6 में यहाँ पे आप देखेंगे हेडलाइट के लिए क्लैंप अलग डिज़ाइन का बना गया है और नंबर प्लेट के लिए भी अलग से इसमें लगा हुआ है। अब VS4 में आप देखेंगे इस टाइप का है, तो VS6 में यहाँ का भी पोजीशन को और डिज़ाइन को चेंज किया गया है और नंबर प्लेट अब VS4 में देखेंगे कि इस तरह के सेल लगाया जाता था। और अब बात की जाए इसके डिस्क ब्रेक की, तो डिस्क ब्रेक पहले जैसा सेम है, बस आपको इसमें ABS देखने को मिलेगा और ABS के ऊपर कवर देखने को मिलेगा, जबकि पहले ABS नहीं आता था और बहुत कम ही बाइकों में ABS के पास में कवर लगा हुआ मिलता है। आप यहाँ पे लोगो देख पाएंगे सुपर मोटो ABS का। बात की जाए VS4 की, तो VS4 में आपको डिस्क ब्रेक का डिज़ाइन बिल्कुल सेम मिलेगा, पर आपको इसमें ABS देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे स्टिकरिंग भी इसका देखने को नहीं मिलेगा। अब बात की जाए इसके कंसोल की, तो VS6 में आप देख सकते हैं ABS का भी इसमें न्यू एड किया गया है, इंजन पेट्रोल वगैरह का सब है, इसमें ABS न्यू एड है। तो VS4 में आपको ABS का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया क्योंकि इसमें ABS नहीं लगा हुआ है। तो ये थे
कुछ चेंजेस VS4 VS6 में, और आप यहाँ पे अपाची लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ये बैटरी का जो कवर है यहाँ पे VS6 में, और VS4 में आपको ये सिंपल सा है, यहाँ पे अपाची लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंज की ओर। तो नेक्स्ट चेंज जो इसका लेग गार्ड है, लेग गार्ड का डिज़ाइन बिल्कुल सेम मिलेगा, पर इसका जो पोजीशन है, जो फिटिंग है, वो अलग तरीके से किया गया, अलग डिज़ाइन से किया गया। और इसका जो हॉर्न है, इसका हॉर्न के पास में भी आप VS6 में आप देख सकते हो, हॉर्न आपको इस तरह से दिखाई देगा। और इसका जो हॉर्न के पास में क्लिप होता है, क्लिप का जो कवर है ब्लैक कलर का, वो भी लंबे में दिया गया है, जो कि पहले नहीं आता था ऐसा। और इसका जो हॉर्न का जो पोजीशन है, जो डिज़ाइन है, वो भी अलग तरीके से, नए तरीके से किया गया, जो पहले ऊपर होता था, अब ये नीचे डाउन है। ये हो गया VS6 में इस तरीके से। VS4 में आप देखेंगे ये जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर ही है, और ये ऊपर में, इसके VS6 में नीचे में था और VS4 में ये ऊपर में दिया गया है। तो हॉर्न के पोजीशन और डिज़ाइन को भी चेंज किया गया है। और आप इसके अलॉय को देखेंगे तो TVS रेसिंग लिखा हुआ इसके अलॉय व्हील में लिखा हुआ आता था VS6 में, पर अगर आप VS4 में देखें तो सिंपल ये रेड कलर का ही ये रिंग राउंड करके ये रहता था। तो ये कुछ थे चेंज VS6 VS4 में। और VS6 में आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा बैक साइड में, जबकि VS4 में आपको रिफ्लेक्टर देखने को नहीं मिलता है। तो आप यहाँ देखेंगे VS4 में ऐसा कुछ नहीं है। तो VS6 में TVS अपाची RTR 160 में बहुत कुछ चेंज किया गया। तो अगर आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप भी बाइक लेना चाहते हैं तो आपको मैंने एड्रेस दे दिया, आप इस एड्रेस पर जाके इस शोरूम से बाइक ले सकते हैं।